एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक बाग। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है हमारे चैनल गुड़िया फैमिली ब्लॉग में। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। नहा वहाँ पूजा कर ली, लेकिन देखिए पसीना पसीना, क्योंकि बहुत सड़ी गर्मी हो रही है दो दिन से। यहाँ पे बारिश का नामो निशान नहीं है, नामो निशान नहीं है, बारिश बिल्कुल नहीं हो रहा है, बहुत गर्मी हो रहा है। नहा वहाँ पूजा कर ली, चाय रखी हूँ, और आज मुझे फिर से अगर मार्केट जाना है, तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। एवरीवन, यहाँ पे मैं फिर से जा रही हूँ मार्केट, और मैं अगेन रेडी हो चुकी हूँ। आप लोग बोलेंगे कि कितना मार्केटिंग कर रही है, तो जी हाँ दोस्तों, बहुत कुछ नया होने वाला है मेरे चैनल पे। तो बस मैं तैयारी में जुटी हुई हूँ, मैं मार्केटिंग कर रही हूँ, और तो बस आज देखिए क्या क्या लेके आती हूँ, तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। तो चलिए आप लोगों के साथ चलिए मार्केट। तो एवरीवन, शाम हो गया और घर आ गई, और मैं 2:30 बजे की निकली थी, और अभी घर आई हूँ। अभी 7:30 बज रहे हैं समय, और यहाँ पे हमारा चाय बन के आ चुका है, लाडू चाय बनाई थी। तो बेटा, तो आज हम ना बहुत बड़ी चीज़ खरीदे हैं, मेरे लिए तो भाई बड़ी है ना बेटा, है ना, हमारे तो बड़ी है ना, हमारे दिखाओ तो हमारे लिए ना बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग के लिए आई थिंक शायद बड़ी ना हो। तो हमारे लिए क्या होती है कि हम छोटी छोटी चीज़ों में ना अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, और हम मिडिल क्लास के फैमिली से हैं, तो हम ना हर एक चीज़ को जो भी लेते हैं ना बड़ा सोच समझ के लेते हैं, बड़ा कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, बड़ा दिन टालते हैं, तब जाके लेते हैं। हम लोग ऐसे नहीं कि आज यहाँ पे सोचा तो चलो ले लिए। और ये सब चीज़ें ना मेरे लिए एक सपना जैसा ही होते जाता है। मुझे याद है फर्स्ट सबसे पहले उस समय ब्लॉगिंग नहीं करती थी, मेरा एसी का मैं यही सोचती थी कि एसी हम लोग ले पाएंगे, क्योंकि एसी का रेट उस समय 40,000 से एवब था, कम नहीं था। तो मैं यही सोचती थी कि मैं ले पाऊंगी क्या एसी, हम लोग एसी नहीं ले पाएंगे। लेकिन मैंने फर्स्ट में एसी लगाया, मेरा जो एसी एलजी का हिमालय कूलिंग था, जो पूरा 40,900 का एसी मेरा पड़ा था। तो आज तक मेरा एसी सही चलता है, अब दोबारा तो फिर चेंज हो गया है। तो वही उसी तरह मैंने इस चीज़ के लिए भी सोचा था कि क्या है, तो जब ये आएगा तब आपको मैं वीडियो में दिखाने के साथ बताऊंगी, सरप्राइज दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है। और बहुत पतिदेव जी से लड़ाई करनी पड़ी, थोड़ा सा रोना धोना पड़ा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करती, मजाक कर रही हूँ। मेरे पतिदेव बहुत अच्छे हैं, अगर एक बार मैं कुछ बोल देती हूँ ना तो वो मुझे बोल देते हैं कि ठीक है ले देंगे, आराम से रहो हम ले देंगे। तो बस यही था। और लाडो को भी चाहिए था, क्योंकि उसको कुछ कुछ चीज़ें खानी थी, तो भाई हमसे बनता नहीं था, समय लगता था, तो मैंने सोचा कि चलो ले ही लेते हैं। तो ऐसे हम लोग देखने गए थे, लेकिन किस्मत में जो होता है ना उस दिन आपको मिल ही जाता है। तो आज लेना लिखा था, तो आज हमें लिया गया, तो मैंने आज ले लिया। तो फिर आप लोग आता है तो मैं आप लोगों को नए मेहमान से मिलवाती हूँ अपने। तो चलिए इंतज़ार करते हैं हम भी, और आप भी, तब तक हम लोग ये आइए, तब तक आप ये चाय पीजिए हमारे साथ, और मैं मुँह मीठा कराऊँगी सबका। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। पे इधर उधर बेटी और इधर बाप दोनों मतलब लगातार मोबाइल में लगे हुए हैं, एकदम कंपटीशन चल रहा है भाई साहब, कंपटीशन। यहाँ ये भी भीड़े हुए हैं, वो भी भीड़ी हुई है, और यहाँ पे चाय ठंडा हो रहा है, ये देखिए चाय बिस्किट तो सब ठंडा हो रहा है, और यहाँ पे सब भीड़े हुए हैं। तो देखिए ये भी भीड़ी हुई है, वो भी भीड़ी हुई है, एकदम कॉम्पिटिशन चल रहा है बाप बेटी में। वाह, चला लगे रही। तो यहाँ पे हम गए थे मार्केट, बस वहाँ से मैंने चाट ले आया, क्योंकि मुझे चाट बहुत पसंद है, और बिहार वाला चाट यहाँ मिलता नहीं है, जमशेदपुर में तो बिल्कुल नहीं, झारखंड मिलता है। लेकिन एक जगह मुझे दिख गया, तो मुझे बहुत टेस्टी लगा देखने से, और खाने में तो लाडो बताएगी, तो मैं उठा लाई हूँ चाट, और आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो लाडो रुको, तो लाडो कैसा बना है? बिहार जैसा है, जो मामा गाँव जाती खाती है, है ना? चलो चलो, तब अच्छा है, लाडो को पसंद आ गया है। तो एवरीवन, बस अभी मैं मार्केट से आई हूँ, और सरप्राइज है क्या लाई हूँ, मैं दिखाती हूँ, वीडियो बने रहेगा जैसे कि मैं बताई थी। और मैं मुझे चाट दिख गया, वाओ सच में बहुत टेस्टी चाट है। मतलब मैं अपने मार्केट जाती हूँ तो पर्सनली चाट खाने में जाती थी, इस बार इतनी गर्मी थी कि मैं बाहर निकली ही नहीं मार्केट, लेकिन एकदम बिहार वाला चाट है, सच में टेस्टी चाट है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, खाकर थोड़ा इन्जॉय करती हूँ खाते हुए। तो ये देखिए एवरीवन, यहाँ पे आ गया भुट्टा, और मैं ना इस सीजन में पहला ये मैं भुट्टा खा रही हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा था भुट्टा खाने का, तो मैं बोली लाडो से पका के ले आओ, तो बस लाडो पका के लाई। क्या लाडो आपको भी अच्छा लगता है? लाडो को भी बहुत पसंद आता है भुट्टा खाना, है ना? अरे बाप रे, ये कैसे खा रही है? हमको एक हरा मिर्च लगा देते हैं बेटा प्लीज, हमको हरी मिर्च के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम भी खाते हैं, आप लोग यही भुट्टा खा लीजिए।
ये देखिए, ये है आईएफबी का, आईएफबी का मैंने माइक्रोवेव लिया है ओवन, क्योंकि मुझे बहुत दिन से मन कर रहा था लेने का। तो ये ना मैं से एलजी लेने वाली थी, लेकिन आजकल ना ये वाला बहुत अच्छा है, नंबर वन में आ रहा है। तो एलजी का थोड़ा सा दिक्कत है, वो क्या दिक्कत है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इसलिए मैंने एलजी का नहीं लिया, सेफ थोड़ा नहीं था इसलिए। ये मेरा बहुत अच्छा है, सेफ है। तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ इसमें दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या चीज़ है, इसमें हर एक चीज़ है। तो जो है तो वो मैं ये में ये वाला भाई, यही मेरा सरप्राइज है और यही हम लोग लेने गए थे, तो हमने ले लिया। फाइनली मेरे पास भी आ गया माइक्रोवेव ओवन। मैं सोचती थी, देखती थी कि मेरे पास आएगा नहीं आएगा, लेकिन बोलते हैं ना कि बस सबर का फल मीठा होता है, तो मैं बहुत संतोष से रहती हूँ। अगर मेरा एक बार कोई बोल दे कि हाँ बाद में लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में, तो आखिर फाइनली आ गया। तो बस अब मैं इसमें सबसे पहले मीठा बनाऊंगी, और मीठे में क्या बनाऊंगी आप लोग बताइएगा इस वीडियो में कमेंट करके। तो फिर मैं आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मीठे में मैं इसमें क्या बनाऊँ। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से, तो इसी खुशी में आज अच्छा सा खाना बना रही हूँ, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है खाना एवरीवन, पनीर है, ये हैदराबादी पनीर की सब्जी, रोटी और चावल है, थोड़ा सा ये कोहड़ा का सब्जी है, और यहाँ पे ये आम भी है। तो यहाँ पे ये खाना है, आइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर। तो एवरीवन गुड मॉर्निंग, ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, मैंने इसी में ऐड कर दिया क्योंकि बहुत छोटा ब्लॉग था। तो यहाँ पे भैया आ गए हैं समझाने के लिए कि कैसे वह कैसे चालू करना है, कैसे क्या करना है। तो आप लोग ना मेरे डाइनिंग टेबल को इग्नोर कीजिए, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, इसलिए मैंने कुछ भी साफ़ सफाई हटाया नहीं, बस जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो ये है आईएफबी का, सॉरी नाम लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, माइक्रोवेव। और सच में बहुत ही अच्छा माइक्रोवेव है, मैं तो पहली बार इसे यूज करी, मैंने माइक्रोवेव देखा नहीं था रियल में, आप लोगों से बस मोबाइल टीवी में ही देखी थी। क्या मैं कहूँ, मुझे ये नहीं कि हाँ मैंने खूब देख लिया है, बना लिया नहीं। तो अभी तो ये सब चीज़ें चलने लगी हैं, तो लेकिन मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मैं बना रही हूँ और बहुत जल्दी से मैं इसमें सीख जा रही हूँ, क्योंकि इसमें ना सारा कुछ क्लियरली लिखा भी हुआ है। तो आप लोग को जो भी मतलब नहीं चलाए हैं ना, वो भी आसानी से चला लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, तो चलिए, जिसका इंतज़ार था ये है। तो ये मेरा आ गया माइक्रोवेव ओवन, ये कन्वेंशन ओवन है, तो बस हम यही लेने वाले थे, तो मेरे घर में आ गया, तो यही सरप्राइज था, यही लेने के लिए मैं शोरूम गई थी। और बस बहुत जल्दी मैं एक और चीज़ लेने वाली हूँ, वो वीडियो में दिखाऊंगी। तो एवरीवन, इसी के साथ वीडियो एडिट करूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा शेयर कीजिएगा। और हाँ, मैंने इसमें मीठा कुछ बनाया है, तो केक की रेसिपी बनाई है, केक अभी नहीं जाएगा, लेकिन मैंने कुकीज बनाई हुई है, उसकी रेसिपी मैं शॉर्ट में डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, आप लोग जरूर जाकर उसको ढेर सारा प्यार दीजिए। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए।